हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गेमर शो। तो मैं खेल रहा हूँ कॉल ऑफ ड्यूटी 4 मॉडर्न वॉरफेयर, और हमारा आज का मिशन है दुश्मन के अड्डे में जाना और दुश्मन के इलाके में जाकर दुश्मन को ख़त्म करके वापस आना। तो देखते हैं आज का गेम प्ले किस तरह से गेम होता है। तो यहाँ काफ़ी सारे एनिमीज़ नज़र आ रहे हैं और हमने पोजिशन ले लिया हुआ है। देखते हैं भैया क्या करना है। यहाँ तो बहुत सारे दुश्मन हैं, इनको मारना तो बहुत मुश्किल लग रहा है, लेकिन मैंने शुरू कर दिया है ज़बरदस्त ताबड़तोड़ हमला। मेरे पास है LMG राइफल और मैं कर रहा हूँ ज़बरदस्त ताबड़तोड़ हमला। दुश्मन काफ़ी संख्या में मौजूद हैं, तो यहाँ पूरा माहौल धुआं धुआं हो गया है। मैं कर लेता हूँ रीलोड। बड़ी गजब की गन है, ज़बरदस्त तरीके से लोड होती है, इसमें तो काफ़ी सारी बुलेट्स हैं। और यहाँ से मैं देखता हूँ कि कितनी संख्या में दुश्मन हैं। तो दुश्मन तो काफ़ी ज़्यादा हैं और हमारे लिए मारना काफ़ी मुश्किल है। यहाँ पर फिर से कर लेता हूँ रिलोड, और यहाँ पे मैं फेंक देता हूँ 4-5 ग्रेनेड, जितने भी ग्रेनेड हैं सारे फेंक देता हूँ, क्योंकि काफ़ी सारे दुश्मन हैं। ओह माय गॉड, दुश्मन तो काफ़ी ज़्यादा संख्या में हैं और आते ही जा रहे हैं, ये कम होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। और यहाँ देखिए धुआँ धुआँ हो गया है, माहौल पूरी तरह से अंधाधुंध फायरिंग के कारण पूरा माहौल हो गया है अंधाधुंध। भाई बड़ी अजीब सी गन है, लोड होने में काफ़ी टाइम लगाती है गन। तो यहाँ से उठ के भागना ही ठीक रहेगा, यहाँ पर तो धुआं धुआं हो गया है पूरा माहौल। देखता हूँ मैं निकल लेता हूँ किसी सुरक्षित स्थान पे। यहाँ पे एक कार खड़ी हुई है और यहाँ है हमारा चॉपर गिरा हुआ, लेकिन मुझे बढ़ना है आगे। यहाँ पे चर्च बनी हुई है, यहाँ दुश्मन फिर से हम पे अटैक कर रहे हैं, तो मैंने फिर से इन पर ताबड़तोड़ हमला शुरू कर दिया है। ये हुई फायरिंग, यहाँ से कार ब्लास्ट हो गया, मैंने स्नाइपर निकाल लिया। स्नाइपर से देखता हूँ मैं कितने लोगों को समाप्त कर पाता हूँ। स्नाइपर है ज़बरदस्त हथियार, भाई मैं बन चुका हूँ स्नाइपर स्पेशलिस्ट। स्नाइपर मुझे काफ़ी पसंद है, मुझे बहुत अच्छी लगती है स्नाइपर राइफल। तो ये स्नाइपर मैं लेके फिर से आगे बढ़ रहा हूँ, और यहाँ पे आ गया है एक हेलीकॉप्टर, तो यहाँ आ गया है एक चॉपर। चॉपर तो दुश्मनों का ही हो सकता है, हमारा चॉपर तो हो नहीं सकता, मेरे लिए दिक्कत वाली बात है। और यहाँ पर तो दुश्मनों की पूरी टोली जमा है, तो इनको ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। ओ यहाँ मुझे मिली है एक अच्छी सी गन, और यहाँ पर दुश्मन आते ही जा रहे हैं, आते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं। भाई एक ने तो काफ़ी ज़बरदस्त फायरिंग भी कर दी है, लेकिन मैं सही टाइम पे उसको मार पाया, तो समाप्त कर दिया है मैंने उसको। तो भाई यहाँ पर तो बहुत सारे बंदे आ रहे हैं, लोड करने दे भाई, रीलोड हो चुका है, अब नहीं छोड़ने वाला। ओ ढेर हो गया है वो, तो देखिए काफ़ी सारी लाशें पड़ी हुई है गेम के अंदर। वाह भाई वाह, ज़बरदस्त गन है यहाँ पर तो, गन्स का पूरा। तो यहाँ पर भी बहुत सारे लोग आते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं। ये दुश्मनों ने फिर से हम पे अटैक चालू कर दिया है, मुझे क्या करना है समझ नहीं आ रहा। मैं फेंकता हूँ ग्रेनेड, एक तो मरा होगा वहाँ। फिर से इधर से दुश्मन आने शुरू हो गए हैं भाई, एक तो ऊपर चढ़ गया है, वो शायद कहीं पीछे से आके हमला मत कर दे। तो देख मैं बढ़ता हूँ आगे और देखता हूँ कि कहाँ से मैं जाके इन पे वार कर सकता हूँ। तो यहाँ मोर्चे पर डटे हुए हैं मेरे दोस्त, और दुश्मनों की संख्या तो कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है। यहाँ क्या करना है कुछ समझ नहीं आ रहा है, बस लोड करो और फायरिंग करो, बस यही चल रहा है। यहाँ बस लोड करिए और फायरिंग करिए, क्योंकि बहुत सारे एनिमीज़ हैं यहाँ पर, तो बिल्कुल आपको बस लोड करना है और फायरिंग करना है। मैंने उठा लिया AK-47, मुझे मिला है ताबड़तोड़ AK-47, और यहीं मैंने चित कर दिया है एक को। और AK-47 भी एक अच्छी राइफल है, अच्छी लग रही है चलाने में, अच्छी लगती है गेम के अंदर। और यहाँ से तो दुश्मनों का आना जाना बंद ही नहीं हो पा रहा है। यहाँ की प्रोग्रामिंग ही कुछ ऐसी है कि एनिमीज़ काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे दिखाया गया है, तो एनिमीज़ काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं, मैं अपना मूव आगे नहीं कर पा रहा हूँ, अगला मूव मैं नहीं कर पा रहा हूँ। यहाँ पे फायरिंग पे फायरिंग चल रही है। कॉल ऑफ ड्यूटी खेलने का मज़ा यही है कि ज़बरदस्त फायरिंग होती है इस गेम के अंदर।
आपका कौन सा गेम फेवरेट है ज़रूर कमेंट करके बताइए। अगर आपको कॉल ऑफ ड्यूटी अच्छा लगता है तो कॉल ऑफ ड्यूटी इसके संबंध में भी कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, तो मैं कॉल ऑफ ड्यूटी के और भी गेम्स आपके सामने लेकर आ सकता हूँ। फिलहाल तो हमें इस मोर्चे को संभालना है, यहाँ से हमें कहीं जाना है आगे की ओर, लेकिन एनिमीज़ का आना निरंतर जारी है तो काफ़ी मुश्किल हो रही है यहाँ से अपना अगला मूव करना। देखिए मुझे जाना है उस घर की तरफ, वहाँ से मुझे टारगेट देना है, लेकिन यहाँ एनिमीज़ ख़त्म होने के नाम ही नहीं ले रहे हैं। यहाँ तो भाई झुंड के झुंड एनिमीज़ आ रहे हैं और चॉपर से भी उतर रहे हैं काफ़ी संख्या में, तो काफ़ी मुश्किल है। बट फिलहाल यहाँ पे मुझे समझ नहीं आ रहा है क्या करना है, मैं आगे जाके देखता हूँ कि क्या है। लेकिन यहाँ पर ओ दुश्मन यहाँ झुंड में घुसे हुए हैं और यहाँ पर मुझे छुपना पड़ेगा, नहीं तो मेरा खेल ख़त्म हो जाएगा और यहाँ से फिर से आना चालू, लेकिन मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। तो यहाँ से फिर मैं अपना मूव करता हूँ आगे। यहाँ पर काफ़ी टाइम हो गया मुझे यहीं पर रुके हुए, मुझे गेम में आगे बढ़ नहीं पा रहा हूँ क्योंकि दुश्मन काफ़ी ज़्यादा संख्या में है। तो भाई यहाँ पूरी की पूरी गोलियाँ ख़त्म हो जाएगी। ये मुझे मेरा रॉकेट लॉन्चर, रॉकेट लॉन्चर से मैं अब देखता हूँ कि कितने लोगों को मैं ख़त्म कर पाता हूँ। दुश्मन तो काफ़ी आगे आ गए हैं, लेकिन रॉकेट लॉन्चर से ही मैं उनको ख़त्म कर, और मुझे मिल गया फिर से AK-47। तो AK-47 की पूरी मैगजीन मैंने खाली कर दी है यहाँ, और यहाँ पर फिर से दुश्मन आने शुरू हो गए हैं। भाई कहाँ से मार रहे हैं कुछ समझ नहीं आ रहा, मुझे भागना पड़ेगा यहाँ से। तो अब यहाँ है एक ट्रिगर, जहाँ मैं ट्रिगर लेके मैं अब दबा देता हूँ ट्रिगर। ट्रिगर जैसे ही दबाया वहाँ पे हमने बम प्लांट कर रखा था, इस तरह की गेम की प्रोग्रामिंग है। और यहाँ पे भी मैंने घर के अंदर से ट्रिगर दबा दिया है, और ट्रिगर दबाते ही बम फूट चुका है, देखिए वहाँ निशाने पर हैं हमारे बम्स। तो इस तरह से सारे ट्रिगर्स मैंने दबा दिए हैं और सारे बम ब्लास्ट हो जाएंगे। यहाँ एक और ट्रिगर है तो ये ट्रिगर भी मैं दबा देता हूँ। यहाँ ट्रिगर मैंने अटैक कर दिया है और सारे के सारे लोग चित हो चुके हैं। यहाँ पे मुझे मिला है गन, तो मैं फिर से LMG ले लेता हूँ। LMG ठीक है, वैसे LMG ही रख लेता हूँ, और मैंने LMG अब अपना लोड कर लिया है। यहाँ एक घर के पास ही आ गया था, लेकिन हो गया है उसका पत्ता साफ, और मुझे पढ़ना है अब आगे। मेरे दोस्त जा चुके हैं भाई, कोई तो हो, सब के सब भाग गए हैं यहाँ से, कोई नहीं है, मुझे आगे बढ़ना पड़ेगा। मुझे जाना है उस घर की तरफ, क्योंकि ये देखिए भाई साहब यहाँ आके अटैक कर रहे हैं मेरे दलबल के साथी, और यहाँ चॉपर आ गए हैं और चॉपर से दुश्मन उतर चुके हैं, और दुश्मनों ने फिर से हम पर धावा बोल दिया है, लेकिन हमें बच के भागना पड़ेगा। भाई बड़ी अजीब स्थिति है, यहाँ तो भागना पड़ रहा है। तो झट से मैं जाता हूँ इस घर के अंदर, क्या है यहाँ है बड़ा सा एक रॉकेट लॉन्चर जैसा हथियार। अब यहाँ मुझे रॉकेट लॉन्चर से किसे निशाना बनाना है ज़रा देखता हूँ। ओके तो यहाँ पे ओ यहाँ है टैंक, और टैंक पे मैंने मार दिया है रॉकेट लॉन्चर। टैंक का वहाँ खेल ख़त्म हो चुका है, मैं छुप जाता हूँ यहाँ कहीं पर, और यहाँ पे और कई सारे टैंक हैं, तो टैंक को मैं निशाना बना रहा हूँ। और एक और पे मैंने मार दिया है बड़ा सा रॉकेट लॉन्चर, और ये जाके गिरा है टैंक के ऊपर, और टैंक वहाँ ब्लास्ट एक, और यहाँ पे टैंक है, और टैंक को फिर से मैंने मार दिया है लॉन्चर। यहाँ पर फिर से हो गया है टैंक का खेल ख़त्म, तो मुझे देखना है कि और टैंक कहाँ कहाँ है। ओके एक टैंक इधर है, तो यहाँ से मैं दौड़ के जाता हूँ और यहाँ पर टैंक को फिर से मैं बनाता हूँ अपना निशाना। तो यहाँ एक और टैंक को मैंने मार दिया है, सारे टैंक मैंने उड़ा दिया है। अब यहाँ हो गया है सारे दुश्मनों का खेल ख़त्म, और वहाँ पीछे माहौल आप देख ही रहे हैं कि धुआं धुआं हो गया है। यहाँ मैं दे देता हूँ टारगेट, यहाँ पे मेरे पास डिवाइस है जिससे मैं अपने दल बल के साथियों को चॉपर को टारगेट दे सकता हूँ, और चॉपर आकर मेरे दिए हुए टारगेट पर निशाना बनाएगी। तो अब हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा, मैं कर लेता हूँ रिलोड, लेकिन अभी भी दुश्मन मौजूद हैं, तो मुझे अल्टरनेट वे ढूंढना पड़ेगा इनको ख़त्म करने के लिए। मैं ले लेता हूँ एक दूसरी गन, लेकिन अभी तो फ़िलहाल LMG ठीक है, लेकिन मैंने अभी एक ज़बरदस्त गन ले ली है,
तो मेरे पास है एक और ज़बरदस्त गन और यहाँ दुश्मन पूरी तरह समाप्त नहीं हुए। मुझे अब देना है टारगेट, मेरे पास है टारगेटिंग डिवाइस जिससे मैं चॉपर को बुला सकता हूँ और मेरे दिए हुए टारगेट पे चॉपर आके हमला करेगा। तो मैंने उस घर को दे दिया है टारगेट और टारगेट उस घर पे पूरी तरह से निशाना बनाकर चॉपर से उस पर हमला कर दिया जाएगा। देखिए फाइटर जेट्स आ गए हैं हमारे और उन्होंने पूरे बम वहाँ पे ब्लास्ट कर दिए हैं। तो यहाँ काफ़ी सारे दुश्मन ढेर हो चुके हैं और मैंने कर लिया फिर से रिलोड और मैं बढ़ता हूँ फिर से। अभी भी सारे दुश्मन समाप्त नहीं हुए हैं तो हमें दुश्मनों को ख़त्म करते हुए जाना है यहाँ से बाहर। तो बाहर जाने के लिए फिर से मैं मूव करता हूँ, जहाँ से मैं आया था वहीं मुझे बढ़ना है आगे। तो मैं देखते देखते जा रहा हूँ आगे की ओर। यहाँ पे खेती बाड़ी का काम भी चलता है तो यहाँ पे दुश्मन ऑलरेडी अभी भी हैं। एक ने मेरे पर मार दिया है ग्रेनेड, तो मैं इधर आ जाता हूँ। ग्रेनेड फट चुका है लेकिन मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो यहाँ है, दे देता हूँ टारगेटिंग डिवाइस से फिर से टारगेट और मैं हट जाता हूँ पीछे। यहाँ पे फिर हमारे फाइटर जेट्स आएंगे और बमबारी चालू करेंगे। ये देखिए बम गिरने चालू, हमारे फाइटर जेट्स ने यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा कोहराम मचा दिया है। अब मैं देता हूँ इस घर को टारगेट, इसके अंदर दुश्मन हो सकते हैं। तो मैंने घर पे दे दिया है टारगेट, अब इस घर की खैर नहीं भाई, ये बिल्डिंग पूरी तरह से उड़ जाएगी। अब देखते हैं कितना समय लगता है, अभी तो कुछ नहीं आया है अभी तक। और यहाँ दुश्मनों को तब तक मैं निशाना बनाता हूँ, वो काफ़ी सारी संख्या में अभी भी दुश्मन मौजूद हैं, इनको डायरेक्ट अटैक करना काफ़ी मुश्किल हो रहा है। मैं फिर से इस घर के ऊपर देता हूँ टारगेट और देखता हूँ बमबारी होती है कि नहीं। मैंने दिया था टारगेट बट बमबारी का पता नहीं चला, मैं आगे पीछे फिर वापस। भाई मुझे निकलना है यहाँ से बाहर लेकिन यहाँ से तो निकलना बहुत मुश्किल है। तो मेरे साथी आगे बढ़ गए हैं लेकिन यहाँ तो दुश्मनों ने मुझ पे घेरा डाला हुआ है। यहाँ मैंने तीन तीन को एक साथ ढेर कर दिया है और यहाँ पे बमबारी फिर से चालू हो गई है। यहाँ कोई मुझे निशाना लगा रहा है लेकिन मैं थोड़ा सा वहाँ पे जख्मी हो गया था। और यहाँ मैं भाग के जा रहा हूँ अब चॉपर की ओर, हम यहाँ से निकलना ज़रूरी है हमें। तो ये हमारा मिशन यहाँ पे कंप्लीट होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये चॉपर कहाँ पे टिकने वाला है, अभी भी मेरे ऊपर गोलीबारी हो रही है भाई। तो हमने दुश्मनों के अड्डे पे ताबड़तोड़ हमला किया और यहाँ हमारा मिशन कंप्लीट होता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ आ गया हमारा चॉपर लेकिन फिर भी अभी भी मुझ पे गोलाबारी हो रही है। तो और यहाँ से निकल रहे हैं हमारे दल बल के और लोग। तो मैं जाता हूँ चॉपर के अंदर, चॉपर के अंदर मैं आ चुका हूँ और यहाँ इन्होंने पोजीशन लेके मोर्चा संभाल लिया है और आ रहे हैं मेरे दल बल के सारे लोग। तो इस तरह से हमारा मिशन यहाँ कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। गेम प्ले के और वीडियोस देखने के लिए चैनल से जुड़ जाइए सब्सक्राइब ठोक के, और अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक बिल्कुल कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।